मतलब पापा तुम भी आज के नहीं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और बहुत भयंकर वाली जो है बाहर धूप हो रही है। तो असल में क्या हुआ, मैंने अभी नीचे की क्लीनिंग पूरी करी है और मैं जा रही हूँ ऊपर साफ सफाई करने के लिए। ऊपर डेली साफ नहीं होता है, जब भी काम वाम चलता है हमारा, आज कोई भी काम नहीं है, ना कोई पैकेजिंग है ना कुछ है, और धूल बहुत भयंकर वाली हो रही है ऊपर छत पे। तो आज फ्री है तो मैंने सोचा कि चलो क्लीनिंग करवाते हैं, और ये मेरे साथ इसलिए जा रहा है कि थोड़ा बहुत करवा देगा यार, मैं थक चुकी हूँ क्योंकि नीचे की क्लीनिंग में और फिर और भी थोड़े बहुत काम है। मैं इसके साथ इसलिए जा रहा हूँ, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा जब मेरी काम वाली काम करेगी, देखिए झाड़ू पोछे लगाएगी ना, तो ऐसे ऐसे करके बैठ के लग, अरे मैजिक मोप कर यार, बैठ के नहीं लगाऊंगी सागर, देख बैठ के नहीं लगाऊंगी, इतना बस की नहीं है मेरे, जा तनखा काट लूं। अबे जा जा। तो गाइस वीडियो हम लोग ज्यादा नहीं बना पा रहे हैं, तो ये है फाइनल लुक इस रूम का। अभी फाइनल नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होने हैं, मतलब सफाई वफाई होगी, झाड़ू लग गई है, पोछा भी लगा है। तो बेड जो है हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है, और एक हमारे पास एक्स्ट्रा गद्दा था जो हमने यहाँ लगा दिया। इन सबकी चद्दर वद्दर चेंज होगी लेकिन अभी नहीं। ये एक मिरर था हमारे पास एक्स्ट्रा, जो हम लोगों ने धूल है ना इसमें, जो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है गेट पे। और इधर दिखा मुझे छोटू गणेश जी, इधर। और इस रूम की सबसे बड़ी खासियत जो काफी अच्छा है, इस रूम पे हम इसलिए नहीं रहते, अकेला अकेला पन सा लगता है ना अगर यहाँ रहे। इस रूम में बालकनी है और बालकनी से बाहर का व्यू बाहर का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, और बहुत ततैये भी हैं। गेट खोलते ततैये आ रहे हैं। अभी जब हम यहाँ पे रहना स्टार्ट करेंगे तो फिर इसका जो भी है दशा हो रही है ना, अभी सब सुधर जाएगी। नई नई चीजें लाएंगे टाइम के साथ साथ, पर्दे लगाने का हम लोग पर्दे लगाएंगे, छोटी मोटी डेकोरेशन की चीजें लाएंगे, और जितने पे सब ततैये घूमे है ना सबको भगा देंगे, घर निकालना चीज है। इंडिया में जुगाड़ बोला जाता है, हमारे यहाँ पे एक जुगाड़ है जो तुम्हारे इंडिया से बाहर कहीं से मोटी उल्टी करके लगाई हुई है। इसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ बच गया हो तो ऐसे करके एक टन ना कभी वेस्ट चीज नहीं हो जाए, क्योंकि इस रूम में पापा रहा करते थे। तो ये तो हो गया वो एरिया जो हम लोगों ने साफ कर लिया है। अब हम आपको उस चीज का सामना कराते हैं जो भी हमारे ज्वेलरी के बॉक्सेस है ना, सब हम लोगों ने इस टाइम के लिए तो इसमें भर दिए हैं बेड में। और अब जो हमारा मेन चीज है, जो बहुत ज्यादा फालतू की चीजें हैं, तो कंप्यूटर, कूलर, 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 मेज, मेज, सेफ, सोफा, सोफा, खाट, पंखा, पंखा। तो काली आ रही बहुत, इधर आ जाओ, चेंज करते हैं। तो ऐसी बात है, कूलर अब तक नहीं निकले हैं, 3 कूलर हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा वो ही नहीं हो रही है, लेकिन हम जो है अब इन्हें नीचे लेके जा रहे हैं। कल का हमारा टास्क होगा, अगर थके नहीं हम लोग, अंदर वाले कमरे को साफ करना, और जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं ना जो हमारे यूज में है ही नहीं, उन्हें चाहे किसी को दे देना या फिर फेंक देना, ये करने वाली हूं मैं इस टाइम। हम दोनों सुबह से अकेले लगे हुए थे, तो यहाँ से जो है सामान नीचे लेके जाना था, तो पापा और मम्मी दोनों हमारी हेल्प कराने के लिए आए हैं। तो फटाफट से जो है जो भी सामान नीचे जाना है वो नीचे चला जाएगा। वैसे तो ये यूज़ होता है हमारा फ्लोर, क्योंकि मेरी सारी पैकेजिंग जो है ऊपर ही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना चीज़ें भरी भरी सी हो रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि भाई जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अब निकालते हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो जो भी थोड़ा बहुत फर्नीचर होता है, जैसे मम्मी का संदूक है, वो तो हम कहीं नहीं सकते, उसे हम नीचे वाले रूम में भिजवा रहे हैं। ये छोटा संदूक है, मम्मी के शादी के सामान है जो इस घर में अभी तक फिट ही नहीं हुए।
तो ये जो है जा रहे हैं नीचे, कल को इसे पुराने वाला जो रूम है ना वहां पे इसे सेट करेंगे। आराम से जाइए, आराम से। ये शादी का सामान किसी को दे दो ना, अब इतना यूज हो तो गया, नया फर्नीचर आ गा। देखो बस, एक तो यू बेड सोफे ये सब मम्मी की शादी के, हम तो कह रहे हैं इन्हें दे दो, नया फर्नीचर खरीद लेंगे। बेकार पूरा हो जाएगा तो यू हम भी ले भाई अपनी चीज को दी जावा। पागल गई थी जब मेरी शादी, जब देखोगे जब पुराने हो जाएंगे, 25 साल हो गए इन चीजों को, 25 से भी ज्यादा ही हो गए। जब तक मैं जिंदगी हूँ जब तक तो मेरे सवाल मुझे प्यारे हैं, तुम्हें ना है कोई भी लगा, मुझे है लगा, समझी? आंदस पीछे कह मत दी मुझे। 6.5 hours later है शाम के 3:30 बज रहे हैं और फाइनली मेरा काम जो है खत्म हो गया। सब लोगों ने सामान रखवा दिया था, फिर सब एक एक करके सब लोग नीचे आ गए और अब मैं नीचे आई हूँ तो सब लोग सोए हुए हैं। तो मैं अभी नहाई हूँ, तो ये वाले कपड़े पहने हैं, थोड़ा तैयार वैयार सी हुई हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है क्योंकि सुबह से 2 मिनट के लिए बैठना ही नहीं मिला। लेकिन ऐसा लग रहा है दिवाली वाली फीलिंग आ रही है, ज़्यादातर ऐसी वाली साफ सफाई दिवाली पे ही जो है चालू होती है। तो मैं जो है, वो लोग आने वाले हैं, दीक्षा और बुआ जी आने वाले हैं, आप लोग उन्हें जानते ही होंगे, मेरे जो वैष्णो देवी जो हमारे साथ गए थे ना, वही लोग आने वाले हैं। बुआ जी जो है घर आई हुई थी और बुआ जी को मेरी बहुत याद आ रही थी, तो वो बोल रही थी कि वो मिलने के लिए आएंगे, तो बस थोड़ी बहुत देर में वो लोग आते होंगे। मम्मी भी इतने सो के उठ जाएंगे और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए मैं भी बैठ जाऊँ, क्योंकि पैरों की एड़ियों में ना मेरे में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, मेरे कहीं पे भी दर्द नहीं होता लेकिन जो पैरों की एड़ियाँ होती है ना उनमें ज़्यादा काम करने की वजह से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर कल मैं ठीक रही तो कल इन गेमों को भी यहाँ से पक्का हटा देंगे, अपने जो टंकी वंकी में वहाँ पे रख देंगे, फिर ये एरिया जब जाके थोड़ा खाली सा और साफ सा लगेगा, ये डाइनिंग टेबल उसकी जगह यहाँ आ जाएगी। थोड़ा भरा भरा सा हो रहा है, चौक भी काफी बड़ा चौक है हमारा लेकिन भरा भरा सा लग रहा है, प्यास लग रही है। हेलो एवरीवन, भाई आज चीनू सागर दोनों थक गए हैं, चीनू ने बहुत काम करा है आज, और सुबह को जल्दी उठते हैं तो रात को अपने लेट सोते हैं जैसे भी है, और सुबह को उठ कहते हैं सारा दिन काम करते हैं तो इसलिए थक गया थोड़े लेट। सोची मन का चलो बालकों को थोड़ा सा ब्लॉग बना दूँ तो चीनों के लिए अब चाय बना रहे, सबके लिए बन रही है वैसे, पोहा वोहा बना रहे हैं, थक गए हैं तो आराम कर रही है अब घर पे तो मैं थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा नाश्ता वास्ता बना लूँ। और बच्चे बढ़िया? हाँ जी बनते ही रहना है वीडियो, तो तुम बताओ बढ़िया? बढ़िया। हाँ यही है कमरे में तो सही, तुम आए तो सही, वायरस से 7 मिनट लगे पैदल आने में, मैंने फोन कर लिया, मैसेज कर लिया, उठाई ना करा चेक कर, देख कर देख कर गुल्लू गुल्लू सेम डे कुमकरण, ओए टू टाटी देख तेरी घड़ी लाई है जीत ली भाई, कौन सा तेरे से नमस्ते कर रही तो मतलब वो भी पापा, अच्छा मंजू मंजू वे तो मेरे साथ ही जब लम्बा गाड़ी उन्होंने उन्होंने सब तो आप इनके क्लास में है, क्लास में याद एक आध साल बस ऐसे ही हो कुछ है फिर में पढ़े बुआ जी एक ही स्कूल में पढ़े क्या एक ही में मतलब पापा तुम भी आज के नहीं अच्छा पापा ने ना पहचाने दिखे अच्छा पहचान ली बुआ जी ठीक घर तो खूब आग रहे हैं हम तुम्हारे बुआ जी बढ़िया
बुआजी तुमने नो कह दी ना, बुआजी तुमने नो कह दी ना लौंडा अच्छा, ये सेवा तुम्हारी इसलिए करी जा रही है, सीधा बताई तुमने इसे। सेवा करेगा तो मेहमान मिलेगा कहीं ना कहीं से। सागर खुश, कितना खुश। के 10:30 और चीनू आज 10 बजे ही सो गई थी क्योंकि आज वो इतना थक गई थी ना, सच में आज उसने बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं तो बीच में बहाना मार के नीचे आ गया था कि मेरे दर्द हो रहा है जो भी, मतलब उस टाइम पे थोड़ा बहुत हो भी रहा था और मैंने थोड़ा बहुत बहाना मार दिया, फिर ऊपर मम्मी पापा और चीनू लगे रहे। लेकिन सब ने काम करा तो, लेकिन चीनू ने आज ज़्यादा काम करा है तो इसलिए आज वो जल्दी सो गई है। तो जो भी था आज का ब्लॉग यही था, इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं, इस ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।